जंगल में मिस्पा चिड़िया अपने खूबसूरत बेटे नीलू चिड़े के साथ रहती थी। वहीं उनके साथ रानी चिड़िया भी रहती थी। रानी चिड़िया मिस्पा चिड़िया की भांजी थी। रानी चिड़िया के माँ बाप उसके पैदा होते ही गुजर गए और रानी चिड़िया को मिस्पा चिड़िया ने ही पाला था। रानी चिड़िया नीलू चिड़े से बहुत मोहब्बत करती थी और मिस्पा चिड़िया भी रानी चिड़िया को अपनी बहू बनाना चाहती थी, मगर नीलू चिड़िया दूसरे जंगल की एक कोमल चिड़िया से मोहब्बत करता था और उससे शादी करना चाहता था। नीलू चिड़े को पता था कि उसकी माँ मिस्बा उसकी कोमल से शादी के लिए नहीं मानेगी, इसीलिए उसने चुपके चुपाते कोमल चिड़िया से शादी कर ली और कोमल चिड़िया को घर ले आया। नीलू चिड़े और कोमल की शादी का सुनकर मिस्बा चिड़िया और रानी चिड़िया को शदीद सदमा पहुँचा, मगर वो नीलू के सामने खामोश रहे। अगर रानी चिड़िया और मिस्बा चिड़िया दिल ही दिल में बहुत जल रहे थे और जलन की वजह से उन्होंने प्लान किया कि क्यों ना कोमल चिड़िया को कत्ल कर दें और नीलू से इसे हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दें ताकि रानी चिड़िया की नीलू से शादी हो सके। नीलू, मुझे लगता है माँ जी हमारी शादी से खुश नहीं हुई। नहीं कोमल, ऐसी बात नहीं है, बाजी दिल की बहुत अच्छी है, वो जल्द ही तुम्हें अपना लेंगी। अच्छा कोमल, मैं कारोबार के सिलसिले कुछ दिनों के लिए जंगल से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपना और माजी का बहुत ख्याल रखना, मैं कल सुबह ही रवाना हो जाऊँगा। अगले दिन नीलू अपनी माँ से मिलकर कारोबार के सिलसिले जंगल से बाहर चला जाता है। नीलू चिड़े के जाते ही कोमल चिड़िया भी अपने घोंसले में चली जाती है। रानी, ये हमारे पास बहुत अच्छा मौका है और नीलू भी यहाँ नहीं है, हमें अपना काम शुरू कर देना चाहिए। आंटी, मुझे क्या करना होगा? रानी, तुम जल्दी से जाओ और बेहोश करने वाली जड़ी बूटी ले आओ और उसे पीस कर उसका रस निकालो और खाने में उसे मिला दो और वो खाना ले जाकर कोमल चिड़िया को खिला दो। आगे क्या करना है मैं तुम्हें बताऊंगी, अब जल्दी करो तुम। ओके आंटी, अभी जाती हूँ। रानी चिड़िया बेहोश करने वाली जड़ी बूटी तोड़ लेती है और उसे लेकर चली जाती है। फिर रानी चिड़िया बेहोश करने वाली दवाई को खाने में मिला देती है और वो खाना ले जाकर कोमल चिड़िया को दे देती है। तुम्हारा शुक्रिया रानी। कोमल चिड़िया वो खाना उठाकर खाने लग जाती है। खाना खाने के बाद कोमल चिड़िया को चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश होकर गिर जाती है। तभी मिस्बा चिड़िया रस्सी ले आती है और उसे रस्सी से वो दोनों बांध देते हैं। मिस्बा चिड़िया और रानी चिड़िया कोमल चिड़िया को पहाड़ पर ले आते हैं और कोमल चिड़िया को पहाड़ से नीचे फेंक देते हैं। इसका काम तो हो गया, आओ चले। पहाड़ से टकराते हुए कोमल चिड़िया नीचे एक घोंसले में आ गिरी। वो घोंसला एक कौवे का था जो किसी काम से कहीं गया हुआ था। जब वो कौवा वापस आता है तो वो अपने घोंसले में एक चिड़िया को जख्मी देखकर हैरान हो जाता है। वो कौवा पेशे से एक हकीम था, इसीलिए वो वक्त न गवाते हुए कोमल चिड़िया की सारी रस्सियाँ खोलता है। रस्सियाँ खोलने के बाद वो देखता है कि कोमल चिड़िया बहुत ही ज्यादा जख्मी थी। अरे ये बेचारी तो बहुत जख्मी है, मुझे जल्द ही इसका इलाज करना होगा। ये कहकर वो बुजुर्ग कौवा इलाज के लिए जड़ी बूटियाँ लाने चला जाता है। कुछ देर के बाद वो कौवा जड़ी बूटियाँ लेकर आ जाता है और उन जड़ी बूटियों का पेस्ट बनाकर कोमल चिड़िया के जख्मों पर लगा देता है। इधर दूसरी तरफ जब नीलू घर वापस आता है तो मिस्बा चिड़िया रोते हुए नीलू से कहती है, बेटा हम लूट गए, हम बर्बाद हो गए, वो तो धोखेबाज थी, उसने हमें धोखा दिया। क्या हुआ माँ, आप किसकी बात कर रही हैं? क्या बात है मुझे बताएं। बेटा, कोमल बहू ने हमें धोखा दिया। तुम्हारे जाने के बाद वो रोज एक चिड़े से मिला करती थी और उसी चिड़े के साथ वो रात के वक्त फरार हो गई। बेटा, उसने हम सबको धोखे में रखा, वो धोखेबाज थी, उसने हमारी इज्जत को खाक में मिला दिया। उसने तुम्हारे बारे में एक मिनट भी नहीं सोचा कि तुम्हारा क्या होगा। कोमल, तुम मेरे साथ ऐसा करोगी मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। ये कहकर वो रोते हुए वहाँ से चला जाता है। अरे वाह आंटी, आपने तो कमाल की एक्टिंग की है। रानी बेटी, आज से मैं तुम्हारी आंटी नहीं बल्कि तुम्हारी सास हूँ। ओके आंटी। अरे नहीं, सासू माँ। अपने
अपनी माँ की ये बातें सुनकर नीलू दो तीन दिन तक शदीद सदमे में रहा और अपने घोंसले में पड़ा रोता रहा। अभी नीलू अपने घोंसले में पड़ा रो रहा था तभी वहाँ मिस्बा चिड़िया और रानी चिड़िया आ जाते हैं। माँ जी देखे नीलू कोमल की वजह से कितनी तकलीफ में है, आप नीलू को समझाए ना। बेटा मैं तुम्हें इस तरह टूटा और बिखरा हुआ नहीं देख सकती, अब तुम आखिर कब तक उस बेवफा का गम मनाते रहोगे। बेटा पहले तुमने अपनी मर्जी की और तुम इस तकलीफ में हो, खैर अभी भी कोई देर नहीं हुई, अब तुम अपनी माँ का कहना मानोगे, मैं तुम्हारी शादी रानी चिड़िया से करूँगी। देखो बेटा अब इनकार मत करना, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं हमेशा तुम्हारी बेहतरी के लिए कुछ करूँगी। अपनी माँ की ये बातें सुनकर नीलू चिड़ा कुछ देर तो खामोश रहा, फिर उसने कहा, ठीक है माँ, मैं अब से वैसा ही करूँगा जैसा आप कहेंगी। नीलू की ये बात सुनकर वो दोनों बहुत खुश हुए और वहाँ से चले गए और शादी की तैयारियाँ करने लगे। इधर दूसरी तरफ कौवा कोमल चिड़िया की दिन रात खिदमत करता रहा और इसका इलाज करता रहा, आखिरकार कोमल चिड़िया को होश आ गया। अरे रुको बेटी अभी ना उठो, तुम्हारी हालत अभी ठीक नहीं है। मैं यहाँ कैसे आई और आप कौन हैं? मैं यहीं पर रहता हूँ। क्या तुम खुदकुशी कर रही थी? खुद को बांध कर ऊपर से छलांग मार कर। कवे की ये बात सुनकर कोमल चिड़िया को सब समझ आ जाता है कि उसके साथ क्या हुआ है। फिर वो रोते हुए कवे से कहती है, मेरे साथ ये सब मेरी सास और उसकी भांजी ने किया है, उन्होंने मुझे खाने में कुछ मिला कर दिया था और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। अगर मैं बंधी हुई थी और मैं नीचे गिरी हूँ तो ये सब मेरी सास और उसकी भांजी ने किया है। अरे मेरे नीलू कहाँ है, मुझे उनके पास जाना होगा। रुको बेटी तुम इस हालत में कहीं भी नहीं जा सकती। नहीं कवे अंकल, मैं हर हाल में नीलू के पास जाऊंगी, ऐसा ना हो वो मेरे नीलू को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा तुम्हारी हिफाजत के लिए, मगर अभी नहीं, आज शाम को हम चलेंगे, तब तक तुम्हारे जख्म भी ठीक हो जाएंगे। जी ठीक है कवे अंकल। शाम हो जाती है। कवे अंकल अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आए चलें, मैं अपने नीलू के पास जाना चाहती हूँ। हाँ बेटी अब तुम ठीक हो, चलो चलें। अरे कोमल तुम मकार कहीं की, तुम इतनी बेवफा निकली मैंने सोचा भी नहीं था। रुको नीलू सच क्या है ये मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारी बीवी को बेहोश करके इसे रस्सियों से बांध कर तुम्हारी माँ और इस रानी ने बेहोशी की हालत में पहाड़ से नीचे गिरा दिया और इन्होंने तुमसे जो भी कोमल के बारे में कहा वो सब झूठ था। असल हकीकत जानकर नीलू को बहुत दुख हुआ और उसने पीछे मुड़कर अपनी माँ और रानी चिड़िया की तरफ देखा और गुस्से से अपनी पगड़ी उतार कर जमीन पर फेंक दी। मुझे आप दोनों से ये उम्मीद नहीं थी कि आप इतना भी गिर सकती हैं। ये कहकर नीलू चिड़िया कोमल को लेकर वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। इस तरह मिस्बा चिड़िया और रानी चिड़िया सारे परिंदों के सामने शर्मिंदा हो जाते हैं और उन्हें अपने किए की सजा मिल जाती है। टू लाइक एंड सब्सक्राइब।